तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो गाइस, सुबह के बच चुके हैं 7, अभी धूप निकली है थोड़ी थोड़ी। तो गाइस, अभी हैं मौसी घर पे। ये मौसी के घर बने हुए हैं, एक मौसी, दूसरी मौसी घर, तीसरी मौसी घर और एक पूरा चौथी मौसी घर। वहाँ पे मौसी हमारी चौका कर रही हैं अपने घर का। ये देखिए, मतलब ये उनकी बच्ची है, ये खोदने में लगी हुई है चौके को और ये हमारा चौका लगाने में व्यस्त हैं। हमारी मौसी जी गोबर बना रही हैं चौके के लिए। हमारी मौसी की लड़की पोछा कर रही है, शर्मा आ गई। और तो अभी कॉलगेट वॉलगेट नहीं किए, पहले कॉलगेट कर लेते हैं। ये ब्रश मंगा ली क्योंकि 2-3 दिन से मैं यहाँ पे ही हूँ और यहाँ पे कॉलगेट नहीं हो पा रही है क्योंकि ब्रश मैं घर को बोले आया था और यहीं पे ब्रश मंगा के अब कर रहा हूँ कॉलगेट। तो गाइस कर लेता हूँ। कुछ बात है, क्यों मैं सोचूं। हे गाइस, तो नहा धोकर तैयार हो चुके हैं। तो गाइस, सुबह मैंने कॉलेज करके थोड़ा सा नहा लिया था, फिर सो गए थे, काफ़ी टाइम नहीं मिल चुका। तो अभी हम जा गए हैं, जा के फिर अभी थोड़ा सा मतलब मुँह को धोया है। तो अभी यहाँ पर देखा तो दोपहर के बज चुके हैं एक बजे। यहाँ पर धूप काफ़ी हो रही है और यहाँ पर चौका वोका सब लगा दिया है मौसी मौसी ने। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो सूख चुका है। अभी तैयार हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम गाँव, क्योंकि गाँव में जाकर थोड़ा सा काम है हमको। अलवर भी जाना है, हॉस्टल से मैम से मिलना है। तो पापा बोल रहे थे कि गाँव आ जा, थोड़ा सा काम है, उस काम को कर जा फिर चले जाना। तो गाय अभी जाऊंगा वहाँ पे, तो फिर जाके तो थोड़ा सा काम करके फिर आऊँगा। दिवाली भी मैं मनाऊँगा, दिवाली बना के फिर आके फिर देखते हैं फिर क्या करना है। तो गाय मैं हालांकि बता दूँ कि यहाँ पे क्यों आया था। तो गाय यहाँ पे शादी है मेरी मौसी की लड़के की, इसलिए आया था मैं। यहाँ पे कार्ड वार्ड बांटे थे, कार्ड वार्ड बटवाने बांट दिए सारे के सारे। अब थोड़े से वो रह गया पेंटिंग वेंटिंग, वो दिवाली बात कर देंगे और फिर शादियाँ की तैयारी कर देंगे। चलते हैं भाई, चले मौसी चले घर पे। क्यों दीपावली मना के फिर आ रहा हूँ? ऐ मोए वहाँ जा रहा हूँ हॉस्टल। आज अभी जा रहे हैं ऊंची नीची गलियों से, ये ऊंचाई का रास्ता है, थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं अभी। जैसे यहाँ पुराने ज़माने की हवेलियाँ बनी हुई हैं, पुराने ज़माने की पटिया वटिया सहित। तो गाइस अभी आ चुके हैं गांव से बाहर, मतलब गांव बिल्कुल पार कर लिया है, सड़क पे आ चुके हैं। तो गाइस रास्ते में मतलब गांव में ऐसे ऐसे लोग मिले थे मेरे को कि पूछो ही मत, मतलब ये बोल रहे थे कि ये क्या है, मतलब उनको दिख नहीं रहा कि क्या है, मतलब कैमरा आई है यार सभी को दिखता है, तो कैमरे की पूछ रहे थे क्या है। और कुछ लोग तो ऐसे मिल रहे थे कि लाल हमारा भी फ़ोटो खींच ले, हमारा भी खींच ले। तो फ़ोटो खींच के करूँगा क्या भाई, ऐसे ही ऐसे रास्ते में मतलब बहुत ही कॉमेडियन लोग मिले थे। अभी चल रहे हैं, बहुत ही हंसी आ रही थी उनको देख कर के, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, मतलब पूछो ही मत यार तुम। क्यों मैं जानूं। तो गाइस कसम से इतना बड़ा सांप मतलब देख के ही फट गई थी मेरी तो, मतलब एक साथ ही दिखा था, आगे से निकल रहा था, सड़क को पार कर रहा था, शायद पानी में से आ रहा था क्योंकि पानी भरा हुआ ना यहाँ साड़ों में, पानी बरसात का पानी काफ़ी भर चुका है, तो पानी में से निकल के इधर जा रहा था। मैं जानूं एक यही सवाल है अंदर में इंतजार। तो गाइस अभी आ चुके हैं बस स्टैंड पे, यहाँ पे देखते हैं बस कब तक आएगी फिर चलते हैं। तो गाइस बस आ चुकी है, अब बस में चलते हैं अंदर। जला के ले पर गुजार हैं इन कुछ कमियों के। तो गाइस अभी आ चुके हैं भरतपुर, ये हमारे जीते भैया जो मामा के लड़के खिजले की दुकान पर काम करते हैं। जाए मैं आजाद हूँ तो गाइस रास्ता पार कर लेते हैं क्योंकि बस स्टैंड उस तरफ है, यहाँ से रास्ते निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो बाहर से निकलते ही निकलते हैं। यहाँ पे मतलब ऐसा बनाने लेकिन मजे ले रहे इतने सारे के मजा ही आ गया। आपका नाम?
ना ना मेरे पास बुलेट है, मेरे पास बुलेट है, मैंने की पंडित भरतपुर, और मैं साहब टेम्पू आ रही हूँ, बुलेट है मेरे पास, सुविधा खड़ी भाई मेरी ढकेल है, धन्यवाद, मिलके अच्छा लगा, आईना कभी नहीं मिलेंगे, देखना हो तो भाई साहब चैनल सत्य डांसर ब्लॉग्स, संतर डांसर ले जाओ, काराब चल रही है भैया, सेब 100 के 5 किलो, 100 के 5 किलो मतलब 20 रुपए किलो, ले तेरे का नहीं फ्री में मिलेगा, तो गाइस देख सकते हो आप, मतलब 100 के 5 किलो मिल रही है, सेब भी काफी अच्छी हो रही है, एकदम मतलब बेस्ट हो रही है, क्लीन एंड क्लियर फ्री में देंगे, सारे चक्कू घसीट दूंगा, खतरनाक लोग आ चुके हैं यहाँ पे, रास्ते में कुछ दोस्त मिले, दोस्त तो नहीं लेकिन अन्य लोग मिल गए थे, बहुत सारी कॉमेडी की, मतलब ये बोल रहे थे कि हमारी वीडियो बनाओ, हमारी वीडियो बनाओ, मतलब हमारा फोटो आने चाहिए, तो कहने तो सब्सक्राइब कर लिया उन्होंने, मतलब अन्य लोगों से बात करने में काफ़ी मजा आता है, तो भाई अभी आ चुके हैं बस स्टैंड पर, यहाँ से बस पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं फिर चलते हैं ठीक जाके, ठीक से फिर शायद कपिल को बुला लेंगे, कपिल को बुला के फिर चलेंगे गाँव, और वहाँ पे पापा भी आ चुके हैं, गोवर्धन गिरिराजी के लिए प्रस्थान करने वाली है, गोवर्धन 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 100,000 जाने वाले यात्री ध्यान दें, तो गाइस प्लान हो गया अभी कैंसिल, अभी जा रहे थे डीग, तो लेकिन डीग नहीं जा रहे, डीग की बस नहीं है, तो अभी जा रहे हैं गोवर्धन, गोवर्धन से थोड़ा सा बांध बांध ले लेंगे, टेम्पो वम्पो ले लेंगे, फिर चलते हैं साथ, कपल को बुला लेंगे, फिर चलेंगे वहाँ से घर, क्योंकि गोवर्धन से थोड़ा सा पास पड़ जाता है, डीग से काफी दूर पड़ता है, जीवन के उड़ना तो सीखा नहीं, शायद गिर के संभलना ही है, तो क्या नहीं है और क्या सही है, और क्या नहीं है, तो आज अभी आ चुके हैं पूछ रही के लौटा कपल यहाँ पे आ चुका है लेने, तो अभी चलते हैं घर पे, घर पे देखते हैं, पापा भी वेट कर रहे होंगे कि सतन आ रहा होगा, सत्य आ रहा होगा, सत्य आ रहा होगा, तो आज चलते हैं, यहाँ पर हमारे पुराने दोस्त मिल गए सुरजीत सिंह जी, जो हमारे साथ ही पढ़े थे, यहाँ पर अब थोड़ा सा बिजनेस खोल रखा है इन्होंने, चलो भाई साहब, राधे श्याम भाई साहब, और क्या सही है, मत पूछ के क्या रंग है मेरा तेरे पीछे, तू देख के